आपके बीजेपी ने आपको जो है अमेठी का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में कैसे देखती है? मैं अभिभूत हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता को देश के सबसे लोकसभा क्षेत्र में 2014 में इस विश्वास भेजा गया था कि नामदार के सामने रंग लाएगा। 2014 में हारने के बाद मैं सतत 5 साल अमेठी की सेवा में रही और उसी सेवा को देखते हुए 2019 में अमेठी ने मेरे भाग्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, अपनी जनप्रतिनिधि अपनी सांसद बनाकर। गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में अमेठी में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों ने अपने लिए घर पाया, 4 लाख परिवारों ने जीवन में पहली बार अपने घरों में नल पाया, 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे जिन्होंने गैस का सिलेंडर पाया, 3 लाख परिवार ऐसे जिन्होंने किसान सम्मान निधि पाया। अमेठी में 30 वर्ष पहले वादा किया था गांधी खानदान ने मेडिकल कॉलेज बनाने का, लेकिन उस वादे की पूर्ति गांधी खानदान नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेठी के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेज देकर यहां पर शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। अमेठी अपने इतिहास में पहली बार एक्सप्रेसवे से जुड़ी इन 5 वर्षों में। अमेठी में पहली बार किसान विकास केंद्र खुला, साथ ही सॉइल टेस्टिंग लैब खुला। ये हम सब के लिए आश्चर्य की बात थी कि अमेठी में मेरे यहाँ आने से पहले कभी खाद की रैक तक नहीं उतरी थी जिला मुख्यालय पर। ऐसे कई काम हैं विकास के जो हम बड़े ही गर्व के साथ पूर्ण निष्ठा से काम करने के बाद जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसी के चलते पार्टी ने पुनः हमें अमेठी की जनता का सेवा का मौका दिया है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई और संगठन का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ऋणी हूँ कि मुझे मेरे घर में दोबारा सेवा करने का मौका मिला। जिस तरह से आप अमेठी में काम कर रही हैं, अमेठी की जनता भी आपको लेकर के काफी उत्साहित है और वो कह रही है कि आपकी बार 400 पार। अमेठी ही नहीं, पूरा देश कह रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने हुंकार बार NDA 400 पार। दीदी, खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। धन्यवाद। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।